हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सीवान आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं तो आज मैं आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सीवान में शुरू हुए कुछ कार्यक्रम के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसमें एक कार्यक्रम है पहल प्रोग्राम जिसमें हम कक्षा छः से बारह तक के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देते हैं फ्री क्लासेस देते हैं सब्जेक्ट वाइज देते हैं और इन सारे क्लासेस के बारे में डिटेल टाइम टेबल भी बताऊंगा किस दिन कौन से क्लासेस चलते हैं इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि इस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में और भी जो प्रोग्राम चलते हैं उनके बारे में भी आपसे हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने पेपर में भी निकलवा चुके हैं कि छठवीं से बारहवीं तक की निःशुल्क कक्षाएँ हमारे यहाँ चल रही हैं जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं स्वेच्छा से वो आकर अपनी कक्षाएँ यहाँ पे कर सकते हैं जिसमें हम सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सारे सब्जेक्ट क्या हैं इसके बारे में वन बाय वन हम बताएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कक्षा छः से आठ तक और नौ से दस तक के लिए जो भी है फोकस रहता है नयोदा विद्यालय गणित ओलंपियाड साइंस ओलंपियाड अंग्रेजी विषय जो है इसके अलावा जैसे नाइन्थ और टेंथ का है तो उसमें हम मैथ साइंस इंग्लिश और कंप्यूटर ये चार सब्जेक्ट पढ़ाते हैं छः से आठ में हम गणित और उनको रीजनिंग पढ़ाते हैं इसके अलावा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और जबकि ग्यारहवीं और बारहवीं की बात करेंगे तो हम उन्हें आई टी और जी मीन्स और एडवांस दोनों की हम निशुल्क तैयारी कराते हैं ठीक है तो इसके बारे में हम और भी डिटेल बताएंगे कौन कौन से दिन कौन कौन सी कक्षाएं चलती हैं तो देखिए ये हमारे पेपर हैं जैसे मैंने आपको बताया कि इस कक्षाओं में हम गणित विज्ञान भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और इंग्लिश यानी मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश चलती हैं और ये सारी कक्षाएँ शाम को चलती हैं और सुबह भी चलती हैं उनका टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे ये हेल्प कर सकते हैं तो मैथ केमिस्ट्री फिज़िक्स इंग्लिश और इंजीनियरिंग अप्लीकेशन बेस्ड कुछ चीज़ें हम और भी बताते हैं इस प्रोग्राम में तो देखिए सबसे पहले हमने जब शुरू किया था हमारे पास बहुत कम बच्चे थे लेकिन धीरे धीरे हमारे पास बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है और ये रहा टाइम टेबल सबसे पहले मैं बहुत ही डिटेल में आपको टाइम टेबल देखिए यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारी छः दिन क्लासेस चलती हैं जिसमें क्लास बारह की आपकी तीन दिन, दिन मैथ चलती है दो दिन फिज़िक्स और एक दिन केमिस्ट्री चलती है शाम को ये तो सवेर की क्लास है शाम की आपकी चार से छः क्लास इलेवन और ट्वेल्व की फिर हम चलाते हैं शाम को भी जिसमें दो दिन मैथ एक दिन इंग्लिश दो दिन फिजिक्स और एक दिन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इसी तरीके से क्लास नाइन्थ की देखिए तो दो दिन मैथ एक दिन इंग्लिश दो दिन साइंस और एक दिन हम कंप्यूटर लैब भी सिखाते हैं इसी तरीके से क्लास टेंथ की भी है दो दिन मैथ एक दिन इंग्लिश दो दिन साइंस और क्लास सिक्स टू एट में जैसा मैंने आपको बताया कि मैथ और लॉजिकल रीजनिंग हम पढ़ाते हैं ठीक है तो इसमें हमारे देख सकते हैं सारे प्रोफेसर हैं वन बाई वन वीकली और एक चीज़ आपको बता दूँ जैसे एक ही टीचर पढ़ाता है मैथ यहाँ पर देख सकते हैं एलेवन ट्वेल्व को एक ही टीचर पढ़ाएंगे नाइन टेंथ को एक ही टीचर पढ़ाएंगे कोई मिक्सिंग नहीं होती तो जो भी बच्चा इच्छुक हो वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आके क्लासेस अटेंड कर सकता है आप ये भी मैं बता दूं कि हम पूरी मॉनिटरिंग करते हैं क्लास की जैसे हर दिन मंडे ट्यूसडे वेनेस्डे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम अपने फैकल्टी की ड्यूटी भी लगी हुई है सारे फैकल्टी चेक करते हैं कि कौन से क्लासेस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए भी हम फीडबैक लेते हैं ठीक है इसके अलावा हम आपको बता दें बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि कैस तरीके से लैंग्वेज की बहुत बार प्रॉब्लम होती है तो हम दोनों ही लैंग्वेज में कवर करते हैं हम इंग्लिस और हिंदी दोनों ही चीज़ों को एक साथ ही पढ़ाते हैं जो बच्चा हिंदी और इंग्लिश का है दोनों को डाउट क्लियर करते हैं बोर्ड में कोशिश करते हैं दोनों ही चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी रहे इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत कम बच्चे थे लेकिन अभी धीरे 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 हमारे पास सौ से अधिक बच्चे हो चुके हैं और होपफुली और भी आगे बच्चे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं ये सारे क्लासेज हैं हमारे फैकल्टी क्लास ले रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दूं कि हम नियर बाई जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके नियर बाई कई विलेज में हमने विजिट भी किया है और हो सकता है आप तक अगर हम नहीं पहुंच पाए हैं तो आप भी इस कार्यक्रम में अपने बच्चे को भेज सकते हैं उन जो भी बच्चा है जो भी इच्छुक बच्चा है या किसी कारणवश अगर वो कोचिंग नहीं ले पाता या ले भी रहा है तो भी वो अटेंड कर सकता है चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो और सरकारी स्कूल का भी हो किसी भी स्कूल का हो बच्चा आके हमारे यहाँ क्लास को अटेंड कर सकता है देख सकते हैं हम बहुत जगह विजिट करते हैं अलग अलग स्कूलों में और सभी से कहते हैं कि ये शिक्षा निशुल्क है कोई भी आके इस क्लास को अटेंड कर सकता है छः से बारहवीं और अगर बारहवीं के बाद भी अगर वो जेई की तैयारी कर रहा है मेन्स की या एडवांस की तो भी आके वो हमारी क्लास को अटेंड कर सकता है देख सकते हैं आप हमने बहुत सारे विजिल ऐसे विलेज को विजिट किया है और उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में हम बहुत सारे प्रोग्राम कराते रहते हैं जैसे साइंस डे पे हमने बहुत सारे स्कूल के बच्चों को बुलाया और फिर उनमें कंपटीशन भी कराया राइट और उस कंपटीशन से जो भी बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आया उन सारे बच्चों को हमने प्राइज भी दिया इसके अलावा जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए तो उनको हमने सर्टिफिकेट भी दिया आप देख सकते हैं जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सभी को हमने प्राइज़ भी दिया है इसके अलावा आप देख सकते हैं डिफरेंट क्लासेस हैं डिजिटल बोर्ड है और इसके अलावा मैं जैसे यहाँ पे हम एक दिन गेम भी कराते हैं सैटरडे को कभी कभी हम गेम भी कराते हैं जैसे बच्चा बोर ना हो और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हम देखिए जो भी बच्चा इसमें विनर होता है उसको हम गिफ्ट भी देते हैं तो ये हमारी समरी है और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो देश के सबसे बड़े टेक्निकल एजुकेशन है उसको हम मानते हैं आईआईटी और एनआईटी राइट right? तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं बच्चा आईआईटी और एनआईटी में जाए अगर वहाँ नहीं पहुँच पाता तो वही सारी फ़ैसिलिटी हमने अपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान में भी क्रिएट किया है आप आके देख भी सकते हैं तो अगर कोई बच्चा किसी कारणवश अगर आई आई में एडमिशन नहीं ले पाता या किसी कारणवश बाहर नहीं जाना चाहता तो हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो आके एडमिशन ले सकता है क्योंकि हमने उसके बराबर इक्की फैसिलिटी क्रिएट किया है ठीक है तो जो भी बच्चा आ, आना चाहे वो यहाँ भी एडमिशन ले सकता है अभी मैं बताऊँ इस साल गेट ट्वेंटी फोर में हमारे सात बच्चे जो कि आप सभी को पता है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम गेट भी क्वालिफाई किया है देखिए ये सात बच्चे हैं जिन्होंने सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में गेट भी क्वालिफाई किए हैं तो हमने ऐसी आ, मतलब हर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल कराई है जिससे बच्चा हर चीज़ गेन करें इसके अलावा हम मैं बता देता हूं कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के कई बच्चों का पेपर आईआईटी में भी सेलेक्ट हुआ है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सेलेक्ट हुआ अभी हाल ही में हमारे एक बच्चे का पेपर आईआईटी बीएचयू में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुआ एक्सेप्ट हुआ और इस और हमारा ये बच्चा वहाँ जा प्रजेंट करके भी आया अब देख सकते हैं हमने पेपर में भी एडवर्टीजमेंट इसका निकाला हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी हम कराते रहते हैं इसके अलावा मैं आपको बता देता हुआ कि हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का एक फेसबुक पेज है जहाँ से हम हर चीज अपडेट करते रहते हैं आप जैसे ही फेसबुक पर लिखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो यहाँ पर आप मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत सारे प्रोग्राम देखें बच्चों के लिए हम कराते रहते हैं ये देखें Uh, मतलब साइंस डे और जो भी प्रोग्राम होते हैं कोशिश करते हैं बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे जो भी नियर बाई स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उनका हम कंपटीशन कराते हैं इवेल्यूसन भी करते हैं आप देख सकते हैं तो ये सारे प्रोग्राम हम करते रहते हैं अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने में किसी कारणवश अगर वो उसकी पढ़ाई छूट रही तो हमारे यहाँ आके कर सकता है यहाँ आप देख सकते हैं हम बहुत सारे प्राचार्य और जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में पार्षद होते हैं मुखिया होते हैं उनको बुला के हम मीटिंग भी करते रहते हैं कि जो भी बच्चा किसी कारणवश अगर नहीं पढ़ पा रहा है नहीं कोचिंग कर पा रहा है तो हमारे यहाँ आके हम पूरे प्रोग्राम के बारे में डिटेल बताते भी हैं रेगुलरली हम न्यूज़पेपर में भी छापते रहते हैं जो भी कक्षाएँ हमारी निःशुल्क चल रही हैं देखिए हमने कई स्कूल में विजिट भी करते रहते हैं आप देख सकते हैं नियर बाई जो भी स्कूल्स हैं उनमें हम विजिट भी करते हैं उनके प्रधानाध्यापक को बताते भी हैं कि हमारे यहाँ निःशुल्क कक्षाएँ चल रही हैं और आप आके इन निःशुल्क कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे स्कूल में हम विजिट करते रहते हैं अगर किसी कारणवश आपके स्कूल में हम नहीं पहुँच पाए बहुत सारे प्रोग्राम हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट भी करते थे उनकी भी हम जो भी अपडेट होता है इस फेसबुक ग्रुप पे हम डालते रहते हैं तो देखिए हमारे सारे ये स्कूल के ही बच्चे हैं शाम को हम इन्हें बुलाते हैं आप देख सकते हैं क्लासेस रन कर रहे हैं हमारे ये भी मैं आपको बता दूँगी अभी हाल ही में हमारे करीब तेरह बच्चों का सलेक्सन सात लाख पर एन के पैकेज पे हुआ ये सारी चीज़ें हम अपडेट भी करते रहते हैं जेई देखिए हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होती है उसको न्यूज़पेपर में रेगुलर अपडेट करते रहते हैं क्लासेस की भी देखिए ये सारे बच्चे हैं जो प्लेसमेंट हुआ था तो हर चीज़ यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और जो भी मैंने बताया कि हमारी जो फ्री की क्लासेस चल रही हैं उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने बच्चे को भेज सकते हैं तो ये हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन था जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश किया कि हमारी जो पहल स्क्रीन चल रही है उसमें जो भी नियर बाई सीवान के बच्चे हैं किसी कारणवश अगर नहीं कोचिंग कर पा रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं फिर भी और वो बेहतर करना चाहते तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद